बीजेपी के साथ मिलकर जयंत इंडिया से लड़ने के लिए तैयार। जयंत के इस अंदाज पर अब चंद्रशेखर हुए भयंकर फायर। जयंत सम्मान की दुहाई देकर अपनी राजनीति को जिस ट्रैक पर लेकर गए, चंद्रशेखर ने अब जयंत के उसी राजनीति पर किया तगड़ा वाला वार। चंद्रशेखर ने जयंत को सुनाई खूब खरी खोटी। जनता के बीच बिना नाम लिए जयंत की राजनीति को चंद्रशेखर ने तरीके से रगड़ा। एक वक्त था जब आरएलडी चीफ जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के सियासी रिश्ते सियासत के अखाड़े में सबके सामने निखर कर दिखते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब जयंत ने अपनी राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को बीच रास्ते में छोड़कर जयंत ने बीजेपी से दोस्ती कर ली, तो अब चंद्रशेखर को भयंकर वाला गुस्सा जयंत चौधरी पर आ गया। चंद्रशेखर ने जयंत की राजनीति पर अब बड़ा वार किया है। जयंत को उनसे गद्दारी के लिए चंद्रशेखर ने खूब खरी कोठी सुनाई। अपने शब्दों के जरिए चंद्रशेखर ने जयंत की मौजूदा राजनीति के खोलकर रख दी। चंद्रशेखर आजाद खुद को बीच रास्ते में यूं ही अकेले छोड़कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को रास्ता देने वाले जयंत को अपने शब्दों के जरिए खूब लपेट रहे हैं। जयंत सुनेंगे तो यही कहेंगे, जिस चंद्रशेखर आजाद की राजनीति के दम पर दलित समाज में उनकी पार्टी आरएलडी ने अपनी पैठ बनाई, उनको उनसे दूर करने का लगता है चंद्रशेखर ने अब ठान ली है। आप भी सुनिए चंद्रशेखर ने जयंत पर किस तरह से अपने शब्दों के जरिए वार किया। आपसे कहना चाहता हूं, भाई ने मुझसे कहा, मैंने उनसे भी कहा, भाई से भी कहा कि भाई मिलकर लड़ो, मिलकर लड़ो भाजपा को रोको, लेकिन पता नहीं क्या मुसीबत है, पता नहीं क्या मुझे बताओ, जो पिछली बार उनके साथ थे वो आज कौन से दल के साथ है। ठीक है, तो अकेला शिवसेना था तब भी खड़ा था और आज भी खड़ा है, और आप अगर नई गवाही ले सकते आप मुझे फोन पर जाते हो तो खतौली पूछना किसने जिता के दी, आप पूछ के देखना बताना खतौली किसने जिता के दी। समाजवादी और एलडीपीएसपी गठबंधन था 2019 में चौधरी अजीत सिंह लड़े थे, नहीं जीत पाए खतौली, आप क्या करवा लेना 30,000 से हारे में, 2017 में हारे, 2022 में हारे, और मैंने वादा कि आगे अगर जिता के ना दिखाऊं तब बताना मेरे लोगों में मेरी बात का इतना असर है, क्योंकि वो मेरे जैसे छिटे पिटे गरीब लोग हैं, वो मेरी बात का भरोसा करते हैं, मुझे मौका देके देखो। लेकिन क्यों, ये गरीब का बेटा हारा रहे इसलिए डरे, तुम कौन हो रोकने वाले, अगर तुम रोकने वाले होते तो मुझे पैदा भी नहीं होने थे, तुम्हारा दिमाग खराब है। चंद्रशेखर आजाद अपने दम पे है, अपने लोगों के दम पे है, इनकी मोहब्बत से है, और जहां भी चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जी आजाद पार्टी, आजाद पार्टी। जयंत चौधरी का नाम लिए बिना चंद्रशेखर ने कहा कि पता नहीं क्या कारण है कि जो कल उनके साथ थे आज देख लो किसके साथ है। चंद्रशेखर ने कहा वो कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे, मुझे मौका देकर देखो, लेकिन एक गरीब का बेटा खड़ा ना हो जाए इसलिए डर रहे हो, तुम कौन होते मुझे रोकने वाले, अगर तुम रोक पाते तो मुझे पैदा भी ना होने देते। चंद्रशेखर आजाद अपने दम पर है, अपने लोगों के दम पर है। चंद्रशेखर का ये वीडियो बिजनौर से वायरल हुआ। बिजनौर में एक सभा को संबोधित करते हुए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। भीम आर्मी प्रमुख ने कहा कि वो हर हाल में बिजनौर की नगीना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। देश के और भी कई सीटें जहां उनकी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है, वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को वहां से चुनाव लड़ाएंगे। मैंने हमेशा कहा कि मिलकर चुनाव लड़ो और भाजपा को रोको। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी, सभी पार्टियां दूसरी पार्टियों के गठबंधन को मजबूत करने में लगी हुई हैं। वहीं चुनाव से पहले जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली आरएलडी ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया। इस बीच भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। चंद्रशेखर का पश्चिमी यूपी में दलितों पर खासा प्रभाव है। बीएसपी के इंडिया गठबंधन से दूर रहने के कारण लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिमी यूपी बेल्ट में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सपा आरएलडी और चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के गठबंधन की चर्चा थी। हालांकि पिछले महीने जयंत चौधरी ने अपना पाला बदल लिया और अब वो भाजपा के एनडीए गठबंधन के साथ है।